Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज जो है पठन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तीसरा स्कंद है, और तीसरे स्कंद के अंदर जो पहला अध्याय है, और पहले अध्याय के अंदर हम चौथे श्लोक पर हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम जो है मंगलाचरण कर रखे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीर्य नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय का चौथा श्लोक, और इसके जो स्कंद का जो नाम है शीर्षक है द स्टेटस को एंड चैप्टर वन, जिसके अंदर अभी हम देख रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज हैं वो सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, और वो भी जो प्रश्न यहाँ पर उठा है वो है कि मैत्रेय ऋषि और जो विदुर जी के बारे बीच में क्या वार्तालाप हुआ, क्या प्रश्न उत्तर हुए, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो श्लोक इस प्रकार से, नहि अल्पथोदयस्तस्य विदुरस्य मलात्मनः तस्मिन् वर्यस्य प्रश्न साधुवाधोपभृमित। The translation and purport by the Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Saint Vidura was a great and pure devotee of the Lord, and therefore his questions to His Grace Rishi Maitreya must have been very powerful, purposeful, on the highest level and approved by learned circles. तो ये ट्रांसलेशन है, परपट बहुत सुंदर है, और जैसे हम जो कल चर्चा चल रही थी हमारे जो ग्रुप के अंदर, हम बोल रहे थे कि जितने भी भक्त इसमें ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर ये परपट जो तात्पर्य है, तात्पर्य अगर वह एक दिन पहले इसको पढ़ लें और मतलब इसको समझने का प्रयास करें, तो क्या होता है कि जो वक्ता होता है, वक्ता जब दूसरे मतलब जो आचार्य हैं या कोई टिप्पणियां पढ़ता है, या तो कोई वो मतलब श्लोकों के बारे में दूसरे जो महाराजों के द्वारा सुनता है, तो उसमें बहुत सारी इतनी इंट्रिकेसीज इन श्लोकों के अंदर होती है, तो वो हम शेयर करें तो उससे सबको आनंद मिलेगा और सबको कुछ और ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो इस वजह से मतलब ये एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी मतलब ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो रोज भागवतम सुनते हैं इस ग्रुप के अंदर, वो एक दिन एडवांस में पहले जो है हर जो है परपट ट्रांसलेशन पढ़ लिया करें एक श्लोक का पहले का, तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमको मतलब और आनंद आएगा, और जो वक्ता कहेगा और तो जितने भी श्रोता हैं उनको सुनने के अंदर आनंद आएगा, और साथ ही साथ में ज्ञान की वृद्धि होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम जो है गुरु का आश्रय ले लेते हैं। ओम अज्ञान थिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदादिकं। वंदेहं श्री गुरुं श्री युतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथां तां सजीव साद्वैतं सावधूतं परियन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंदो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञान नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूधरे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हम दूसरे मतलब बहुत सारे जो आचार्य हैं वो अलग अलग इन श्लोकों के ऊपर टिप्पणी देते हैं, तो उनको पढ़ने का और उनको समझने का जो एक सरल मतलब एक मार्ग बन जाता है जिससे हम इन श्लोकों को समझ सकते हैं। तो इन श्लोकों के माध्यम से मैं भक्ति चारु स्वामी महाराज का जो लेक्चर सुन रहा था, तो उनके अंदर इन्होंने बताया है कि पहले पहले तो इन श्लोकों के माध्यम से इस पर्टिकुलर श्लोक के माध्यम से हमको क्या ज्ञात होता है। तो यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो पता चलती है कि परीक्षित महाराज का नेचर कैसा था, उनका और उनका जो एक बोलते हैं उनका स्वभाव कैसा था। तो वो कहते हैं कि मतलब परीक्षित महाराज ऐसी स्थिति के अंदर जिसके अंदर उनको जानकारी थी कि 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है, उसके बाद भी वो प्रश्न कौन सा पूछते हैं, वो आध्यात्मिक जो लेवल का प्रश्न पूछ रहे हैं। तो महाराज बता रहे थे, भक्ति चारु स्वामी महाराज बता रहे थे कि यूजुअली हम भौतिक जगत के अंदर अगर किसी को पता चल जाए कि भाई इस बंदे को कैंसर है और उसको बताया गया है कि भाई तुमको जो है तुम्हारा जीवन का जो समय है वो सिर्फ अभी 6 महीने है या 3 महीने है, तो वो क्या करता है या उसके परिवार वाले क्या करते हैं, वो सब जो है ना एक और दूसरे डॉक्टर का सेकेंड ओपिनियन लेने जाएंगे और वहां जाके उसको पूछेंगे कि भाई ये इस डॉक्टर ने ऐसा बताया तुम कुछ और बताओ। तो दूसरा डॉक्टर उसको जो है मतलब कहने का मतलब है वो जो व्यक्ति है जो पीड़ित व्यक्ति है वो और जीने की लालसा रखता है, मगर यहाँ पर जो एटीट्यूड बताया गया है परीक्षित महाराज का वो कौन सा एटीट्यूड है, वो एक टोटली सरेंडर्ड है कि भाई मुझे पता है कि मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, तो क्यों ना इस 7 दिनों के अंदर जो बेस्ट में बेस्ट चीज काम हो सके उसको वो मैं कर पाऊँ। तो वो ऐसे जो है इन इन मनोवृत्ति से वो प्रश्न कैसे पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो वो ये पूछते हैं कि भाई मैत्र ऋषि और विदुर जी के बीच में जो चर्चा हुई थी उनके बारे में मुझे बताओ। तो ऐसा क्यों है मतलब परीक्षित महाराज जो है यहाँ पर जो है ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं कि जो विदुर जी और मैत्र ऋषि के बारे, तो यहाँ पर महाराज बताते हैं बिकॉज विदुर जी और मैत्र ऋषि जो बातें करने वाली थी वो भौतिक विषय तो थे नहीं, न ही वो आध्यात्मिक विषय थे। तो जब भी मैं ये सुन रहा था तो मुझे जरा एकदम अचरज लग गया कि भाई महाराज ये क्या बता रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से उन्होंने समझाया, बोला ये आध्यात्मिक विषय भी नहीं थे, ये भौतिक विषय भी नहीं थे, ये तो आध्यात्मिक लेवल के अंदर जो टॉप मोस्ट लेवल होती है वो विषय थे। मतलब आध्यात्मिक लेवल के अंदर जो भी टॉप मोस्ट लेवल होती है ऐसे विषयों के ऊपर जो मैत्र ऋषि और विदुर जी चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर उत्सुकता बताई गई है परीक्षित महाराज की कि वो क्या सुनना चाहते हैं, वो टॉप मोस्ट लेवल की जो बातें हैं ऋषियों के ऋषि और जो विदुर जी के बीच में वो सुनना चाहते थे। तो हमको भी जो प्रश्न पूछने हैं तो हमको प्रश्न पूछने हैं तो हमको एडवांस डिवोटीज के बीच में जो वार्तालाप होता है अगर वो हम सिर्फ शांति से बैठ के सुने, यानी कभी कभी ऐसा हमको अवसर मिलता है कि दो महाराज होते हैं वो दो महाराज बैठ के आपस में बात करते हैं, तो वो किसी विषय के ऊपर छोटे से टॉपिक के ऊपर कोई बात करते हैं तो उनको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, तो उनको बहुत सारी इंट्रिकेसीज बहुत सारी जो गुह्यतम बातें हमको समझने में मिलेगी और सुनने को मिलेगी। तो इससे क्या होता है, तो इससे मतलब जो भक्ति चारु स्वामी महाराज बताते हैं कि हमको पता चलता है कि हमारी लेवल हमारी आध्यात्मिक जो लेवल है हमारी आध्यात्मिक जो स्तर है वो किस स्तर पर है वो किस लेवल पर है वो हमको पता चलता है। तो बोलता है व्हेन वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए डिवोटी वी रियलाइज
बाद में बताते हैं कि जब हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम सब कर रहे हैं, तो उस प्रयास के अंदर उनको पता चलता है कि भाई हमारे अंदर अनर्थास इतने हैं। सब जानते हैं कि हमारे अंदर 6 अनर्थास हैं। तो महाराज बता रहे थे कि महाराज बताते हैं कि भाई ये जो 6 अनर्थास हैं, इसके बारे में पहले कभी जब हम भक्तों के साथ में या भक्ति के मार्ग पर हम जुड़े हुए नहीं थे, क्या हमको पता था? नहीं, तब तो हम वैसे ही जी रहे थे, बस जी रहा हूँ, इसी तरह जिए जाऊंगा। बाद में बोलते थे मैं तेरी मस्त निगाहों से पिए जाऊंगा। तो ये बातें जो है ना, हम बस वही चल रहा था, वही मतलब जो है रोज का उठना करना, काम करना, जहाँ काम पे जाना, काम से आना, जो है मटर गस्ती करना और भौतिक विषय पे चर्चा करना। मगर जैसे ही हम इन जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयास किया हमने और जुड़े और हम ये रोज श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, तो हमको अभी ज्ञान मिलता है कि हमारे अंदर अनर्थास हैं। पहले तो कुछ पता ही नहीं था कि अनर्थास क्या होते हैं, तो अभी हमको पता चला कि अनर्थास हैं। तो ये अनर्थास की जानकारी कब मिली? जब हम भक्ति मार्ग से जुड़े। तो महाराज बताते हैं, और इन 6 अनर्थास, जिसको मैं हमेशा बताता हूँ शॉर्ट फॉर्म के अंदर, पेज इल, इल पेज यानी हमारे जीवन का सबसे बीमार पन्ना क्या है, तो ये पेज इल है। तो पेज इल का फुल फॉर्म क्या है? पी स्टैंड फॉर प्राइड, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन एंड लस्ट। तो जैसे हम हिंदी में जैसे बताते हैं, संस्कृत में बताते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो इसमें जो है महाराज मात्सर्य के ऊपर जोर देकर कहते हैं सबसे बड़ा यानी एनवी। एनवी इज द मोस्ट पावरफुल जो गांठ है, जो नॉट है हमारे मतलब हमारी प्रगति के अंदर। तो अगर एक बार अगर ये एनवियसनेस खत्म हो गई, तो यानी ऑटोमेटिकली बाकी की 5 है तो खत्म हो ही जाएंगी। और जो ये बाकी की 5 है वो किस पे आश्रित हैं? वो एनवी के ऊपर ही आश्रित हैं। जो भी आप अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो जो हमको ईर्ष्या है, जो हम मात्सर्य जो है, मात्सर्य के वजह से हम जो है इस बाकी के 5 जो बोझ हैं जो हम अपने शरीर में लेके घूमते रहते हैं, तो अगर ये मात्सर्य समाप्त हो जाए किसी के प्रति ईर्ष्या, तो एनवियसनेस के बारे में मतलब महाराज जो है भक्तिचार्य स्वामी महाराज बताते हैं अपने लेक्चर के अंदर कि एनवियसनेस का डेफिनेशन क्या है। तो इस एनवियसनेस यानी जो बोलते हैं कि मात्सर्य का डेफिनेशन क्या है, तो जो भक्तिचार्य स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बताते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस मात्सर्य को बताया गया है कि मात्सर्य क्या होता है। तो उन्होंने बांग्ला में बताया है कि पर सुखे दुखी, यानी दूसरे को सुख में देखकर दुखी होना और दूसरों को दुख में देखकर खुश होना, आनंदित होना, ये डेफिनेशन है एनवियसनेस की। कि पर सुखे दुखी और पर दुखे सुखी, तो ये जो डेफिनेशन बताई गई, तो जब मैं ये सुन रहा था, मैंने बोला कितना सिंपली सिंपल वे से बताया गया है कि मात्सर्य जो है उसकी क्या डेफिनेशन है। तो हरिदास ठाकुर जी जो एक बहुत ही मतलब जो एक मुस्लिम परिवार के अंदर वो मतलब पैदा हुए थे, तो वो उनकी ह्यूमिलिटी हमने देखी है बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर, बहुत सारे जो है लीलाओं के बारे माध्यम से हमको पता चलता है कि कितने हम्बल थे। उसी तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, वो कहते हैं कि भाई वो जब जिन्होंने चैतन्य चरितामृत जो लिखा है, तो कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी मतलब क्या बताते हैं कि भाई मैं तो जगाए और मदाए, हमने जगाए और मदाए के बारे में, लीला के बारे में भी हमने सुना है कि वो कहते हैं मैं तो इनसे भी गिरा हुआ हूँ। बाद में वो अपनी ही स्टेटमेंट को, जो उन्होंने जो वाक्य कहा था उसको फिर वो करेक्ट करते हैं, बोलता है मैं तो जो विष्ठा के अंदर एक कीड़ा होता है यानी जो स्थूल होता है उसके अंदर जो वर्म होता है उससे भी मैं घिरा हुआ हूँ। तो ऐसा सिर्फ शब्दों में नहीं है, ऐसा सिर्फ शब्दों में नहीं है, ऐसा वो अपने आप को फील करते हैं, वो ऐसा अपने आप को अनुभव करते हैं। तो जो उसके बाद में जो मैंने बातें भक्तिचार्य स्वामी महाराज के लेक्चर्स में सुनी, उनमें से 2 बातें तो मुझे पता ही नहीं थी, और जब उसका ज्ञान मिला मुझे तो मैं और भी आश्चर्य में पड़ गया। तो वो बताते हैं कि जब व्यक्ति का हृदय पूर्ण रूप से क्लीन हो जाता है,
पूर्ण रूप से क्लीन हो जाता है जब उसके अंदर जितनी भी मिसगिविंग्स हैं, जितने भी मतलब जो लोगों के बारे में गलत धारणाएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, तब भगवान अपने हृदय के अंदर आके वास करते हैं। और ये मतलब ये जब होती है, जब ये हमारे अंदर जो हमारे हृदय के अंदर जितने भी कलमश हैं वो पूरे रूप से समाप्त हो जाते हैं, तो हम बहुत ही हम्बल हो जाते हैं, बहुत ही विनम्र हो जाते हैं, हमारा स्वभाव बहुत ही विनम्र हो जाता है, तब आके भगवान वहां पर आके जो विराजते हैं। तो जब ये बात सुनी तो उन्होंने उसके साथ में अपने लेक्चर्स के अंदर बताया कि कृष्णदास कविराज जो गोस्वामी महाराज थे, जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा है और इतना सुंदर लिखा है, इतना मीठा लिखा है, उसके अंदर जब भी हम उसकी जो लीलाएं सुनते हैं तो मतलब हम उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं, मगर वो इतनी इंट्रिकेसीज के साथ में, इतनी डिटेल्ड में, इतने मतलब गहनतम बातों को उन्होंने इतनी सुंदरता से लिखा है। बट सही माने में महाराज बताते हैं कि जो कृष्णदास कविराज महाराज ने कभी भी चैतन्य महाप्रभु का जो संग है उनको नहीं मिला था, न ही वो उनके साथ में जो है वृंदावन में थे, न ही वो जो है पुरी के अंदर थे, और न ही वो मतलब मायापुर के अंदर थे। तो वो कहते हैं कि ऐसी बातें उनको कैसे पता चली, मतलब जब उनके साथ में उनका सानिध्य ही नहीं था तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज को ये सब बातें कैसे पता चली। तो वो कहते हैं दिस इज द रियलाइजेशन, ये जो अनुभूति है भगवान स्वयं जो आकर ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में देते हैं। उसके बाद में उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट बताई, उन्होंने दूसरी स्टेटमेंट क्या बताई, बताई कि जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है वाल्मीकि द्वारा, वो वाल्मीकि ने जो ये रामायण लिखा था, जो रामायण के अंदर जो लीलाएं लिखी थी वो लीलाएं होने से पहले लिखी थी, यानी ये भी एक अचरज की बात है, जो मतलब जो होने वाला है, जो फ्यूचर में होने वाला है, भगवान की जो लीला होने वाली है वो वाल्मीकि जी ने पहले ही दर्शाई थी। तो बोला वो कैसे संभव है, तो वो भी ऐसे ही संभव है कि वाल्मीकि भी जो है एक शुद्ध जो भगवान के भक्त हैं, जिनके मतलब हृदय के अंदर भगवान स्वयं राम जी आके, उन्होंने आके उनके पूरी जो रियलाइजेशन दी, उनको अनुभूति दी, उनको साक्षात्कार कराया, और वाल्मीकि जी ने ये रामायण के का निर्माण किया। तो बात अभी यहाँ पर आती है कि ठीक है, उनका हृदय साफ था और वो शुद्ध भक्त बन गए, और शुद्ध भक्त के वजह से उनको ही मिला। तो ये शुद्ध भक्त जो है वो कैसे बनते हैं, तो शुद्ध भक्त बनने के लिए कोई हमको एक्स्ट्रा डिग्री या हमको कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। तो बोलता है शुद्ध भक्त होने के लिए इसका क्या, हमारे हृदय को साफ करने के लिए जो हमारे हृदय के अंदर जो गलत धारणाएं हैं, जिसको मिसगिविंग्स कहते हैं, वो हमारे हृदय के अंदर है, तो उसको कैसे निकालना। तो श्रीमद भगवत गीता के अंदर 5वें अध्याय के अंदर 17वां श्लोक है 517, उसके अंदर उसका जो है ट्रांसलेशन में पढ़ूंगा। तो वो यहाँ पर बताती है, व्हेन वंस इंटेलिजेंस माइंड फेथ एंड रिफ्यूज आर ऑल फिक्स्ड इन द सुप्रीम, देन वन बिकम्स फुल्ली क्लीन्स ऑफ मिसगिविंग थ्रू कंप्लीट नॉलेज एंड दस प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो मोक्ष की तरह वो कैसे बढ़ते हैं, हमको तो मोक्ष नहीं चाहिए, मगर ये श्लोक के आगे हम पढ़ेंगे भगवद गीता के अंदर तो बहुत सारे रिविलेशन होती हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि पांचवें अध्याय के 17वें श्लोक में बताते हैं कि जब हम अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना विश्वास और शरणागति ये पूर्ण रूप से कृष्ण के अंदर जो है समर्पित कर देंगे, तब हमारे हृदय के अंदर जितनी भी मिसगिविंग्स है, यानी मिसगिविंग्स के अंदर क्या आता है, आपके काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब निकल जाएगा। और आपको ज्ञान, जब ये आप चारों चीजें भगवान के अंदर पूर्ण रूप से समर्पित कर दोगे तो आपको ज्ञान की अनुभूति होगी, और ज्ञान की अनुभूति होने से ये आपके हृदय के अंदर जो कलमश हैं, जो 6 कलमश हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त होंगे, और आप जो है मुक्ति की तरफ, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए, तो हमको मुक्ति की तरफ जो है बताते हैं कि मुक्ति की तरफ आप जा सकते हो। तो भक्ति के अंदर अगर हम मतलब सोचिए कि अगर हम जब इस मार्ग पर चलेंगे, जब हम पूर्ण रूप से हमारा फर्म, हमारी कंपनी, जो फर्म होता है, एक फर्म का 2 मीनिंग होती है इंग्लिश के अंदर, एक होती है फर्म यानी मेरा ऑर्गेनाइजेशन या मेरी कंपनी, और दूसरा होता है फर्म का मतलब बहुत दृढ़ता से। तो जो हमारा फर्म है, फर्म यानी हमारी फर्म क्या है, तो फर्म F stands for faith, I stands for intelligence, R stands for refuge,
एंड एम स्टैंड्स फॉर माइंड। तो जब ये पूर्ण रूप से चारों चीजें हम भगवान में समर्पित कर देंगे तो हमको ज्ञान की अनुभूति होगी और ज्ञान के मार्ग से हम आगे, हमारे हृदय के अंदर जितने भी कलमश हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और जब कलमश समाप्त हो जाएंगे, हृदय एकदम साफ हो जाएगा, तो वो एक स्थान बन जाएगा जहां पर आके भगवान विराजेंगे और हमको वहां से इंस्ट्रक्शन देंगे। भगवान वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में वहां पर बैठे हैं, मगर हम उनके साथ में कनेक्ट इसके लिए नहीं कर पा रहे हैं, हम कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका भी एक उदाहरण देते हैं लेक्चर्स के अंदर। वो कहते हैं कि जिस तरह कंप्यूटर के अंदर छोटी छोटी वायरें होती हैं, एक वायर जो है दूसरी वायर, मतलब जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है उसे कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां पर जो काफी समय से हमने जो सीपीयू है उसको खोल के क्लीन नहीं किया है, तो वहां काफी सारी डस्ट जमा हो गई है, यानी जो धूल जमा हो गई है, धूल की वजह से वहां पर उसका कनेक्शन बरोबर नहीं हो रहा है। तो उसको क्या करते हैं, जो टेक्नीशियन आता है उसको स्प्रे मारता है और वहां पे आके उसकी धूल को हटाता है, यहाँ के ब्लोअर मारता है जिससे धूल उड़ जाती है और फिर वो कनेक्शन सही रूप से स्थापित हो जाता है। तो हमारा भी कनेक्शन किस वजह से टूट गया है भगवान के साथ में, वो इसी कारण से हम जब भौतिक विषयों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं तो जो है भगवान के साथ में वो जो भौतिक विषय है वो अनेक प्रकार की धूल लाते हैं, और जो हमारे हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हैं उसके साथ में हमारा कनेक्शन जो है लूज हो जाता है, टूट नहीं जाता है, लूज हो जाता है। तो उसको कनेक्ट कैसे करना है, तो जब हम ये फर्मली जो फेथ इंटेलिजेंस रिफ्यूज एंड माइंड पूर्ण रूप से भगवान के प्रति सरेंडर कर देंगे, समर्पित कर देंगे, तब हमारे हृदय के अंदर से वो जो धूल है वो धूल निकल जाएगी और हमारा कनेक्शन फिर से स्थापित हो जाएगा। तो वी कैन सी द, अब यहां पर बताते हैं कि जो भी, मतलब एक हमारी आध्यात्मिक जो स्थिति है वो किस पर निर्भर करती है कि हम भगवान के साथ में कितने जुड़े हुए हैं। What is the impact of hearing the discussions? We यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो है, अगर हम दूसरा स्कंद तीसरे अध्याय और 16 वहाँ पर श्लोक है, उसके अंदर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो अगर हम बार बार जो जितने शुद्ध भक्तों के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो डिस्कशंस होते हैं, उसको हमको सुनते हैं, तो उससे उसका असर हम पर क्या पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर जब हम ये बार बार सुनते हैं तो मतलब जो गुह्यतम बातें और जो डिस्कशंस होते हैं शुद्ध भक्तों के बीच में, अगर उसके उसको हम सुनते हैं तो हमारे हृदय के अंदर भी जो है भक्ति का जो दीप है, और वो जब हम सुनते हैं शुद्ध भक्तों के माध्यम से, तो हमारे हृदय के अंदर जो भक्ति का दीप है वो प्रज्वलित होता है और फिर उसकी रोशनी धीरे 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 और बढ़ती जाती है। तो बोलता है ये कैसे संभव है, हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम जो दो मतलब शुद्ध भक्त हैं आपस में बात कर रहे हो, उनकी जो गुह्यतम बातें आप सुनते हो, जो बहुत ही इंट्रिकेट बातें होती हैं, जो भगवान की, कि शुद्ध भक्त और कोई विषय पे बात करेगा नहीं, वो क्या है कि हमेशा भगवान की लीलाओं के, भगवान के शुद्ध भक्तों की लीलाओं के बारे में ही चर्चा करेगा। तो जब वो उनको आप सुनते हो तो आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाओगे कि आपके हृदय के अंदर जो है भक्ति मतलब स्टार्ट हो जाती है। ये श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं जो सेकंड स्कंद है, दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय और 16 श्लोक, उसके अंदर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो डिस्कशन बिटवीन द डिवोटीज इंड्यूसेस द हियरर टू ऑटोमेटिकली अटेन टू डिवोशनल स्टेज ऑफ लाइफ। तुम भक्ति के अंदर जुड़ जाओगे जब आप ये ऐसे जो भक्तों से सुनोगे। तो ये कैसे संभव है, तो क्वेश्चन अराइजेस ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो बोलता है कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं, उदाहरण देते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर कि एक लोहे की सलाख है, लोहे की सलाख को अगर आपने ऐसे लोहे की सलाख है आपने उसको हाथ में उठाया और उसको आपने अग्नि में डाल दिया और आपने अग्नि में इसको इतना तपाया कि वो जो सलाख थी, जो लोहे की सलाख थी, आयरन रॉड जो थी, वो पूर्ण रूप से तप कर लाल हो गई है, तो क्या अभी आप वो धैर्य करोगे कि आप उस जो सोले लोहे की जो सलाख है उसको अपने हाथों से उठाओ, अपने बेयर हैंड से उठाओ? तो नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये लोहा एकदम लाल तप गया है। तो आप क्या करोगे, उसको किसी यंत्र से उसको लोहे की सलाख को उठाओगे। अब ये लोहे की सलाख लाल तप कर लाल हो गई है, मगर ये लोहे की सलाख अब क्या हो गई है, अब आप इसको कहीं पर भी छू दो तो वो क्या काम करेगी, वो अग्नि का काम करेगी। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं जब एक भौतिक वस्तु है,
लोहे की सलाख और अग्नि, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो लोहे की सलाख के अंदर क्वालिटीज किसकी आ जाती हैं, और पूरी अग्नि की क्वालिटीज आ जाती हैं, उसके पूरे गुण जो है अग्नि की क्वालिटीज की आ जाते हैं, और वो सलाख क्या बन जाती है, वो अग्नि, स्वयं अग्नि बन जाती है। जब ये भौतिक वस्तुओं के अंदर ऐसा संभव है तो आध्यात्मिक विषय में ऐसा संभव क्यों नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हो? यानी जो भगवान के जितने भी वचन है उनको अगर ध्यान पूर्वक आप सुनोगे तो आप धीरे 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 आध्यात्मिक पथ पर जुड़ जाओगे। तो ये मतलब तो आध्यात्मिक विषय कौन से हैं, तो हम आध्यात्मिक विषय देखते हैं भगवद गीता के अंदर प्रश्नों का सिलसिला कैसे होता है। तो यहाँ पर फिर जो है भक्ति चारू स्वामी महाराज कैसे बताते हैं, प्रश्न आदमी दो कारण से पूछा है, देयर आर टू रीजंस टू आस्क द क्वेश्चंस, व्हिच क्वेश्चंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल क्वेश्चंस। तो मतलब आध्यात्मिक प्रश्न आदमी दो स्थितियों में पूछता है, एक तो उसको मतलब दो कारण होते हैं जिसकी वजह से वो पूछता है। आध्यात्मिक प्रश्न तब वो पूछता है जब उसको उसकी उसके अंदर कोई शंका है, उसके अंदर कोई अंदर जो है अंधकार है, तो उस अंधकार से निकलने के लिए, आध्यात्मिक जो रोशनी की तरफ बढ़ने के लिए वो प्रश्न पूछता है। तो ये पहला कारण है। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा और कोई कारण नहीं है, सिर्फ जो जो प्रश्न करता है उसको उस पर्टिकुलर विषय के ऊपर जिसके ऊपर चर्चा चल रही है उसके अंदर उसको और जो है आनंद चाहिए, इस वजह से उस लीला को सुनने के लिए और उस लीला की और भी मधुरता को प्राप्त करने के लिए वो प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर भी जो मतलब परीक्षित महाराज है वो क्या पूछ रहे हैं कि मैत्रेय ऋषि और जो विदुर जी के बीच में क्या चर्चा हुई है। तो यहाँ पर भक्ति चारू स्वामी महाराज इतनी सुंदरता से समझाते हैं कि जो विदुर जी थे वो ज्यादा एडवांस थे मैत्रेय ऋषि के कंपैरिजन में। तो ये हम मतलब ये एक अलग शौक था मेरे लिए कि मैं मैत्रेय ऋषि के बारे में जो है महाराज कैसे मतलब ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उन्होंने इतनी सुंदरता से समझाया कि वे मैत्रेय ऋषि नॉलेजेबल थे, ही वॉज लर्नड, ही वॉज वाइज, बहुत होशियार थे, बहुत लर्नड थे, मगर ज्यादा से ज्यादा सानिध्य किसको मिला था कृष्ण का, तो वो था विदुर जी को। तो विदुर जी वॉज मोर क्लोजर टू कृष्ण, तो वन हु इज मोर क्लोजर टू कृष्ण हैज मोर डिवोशन। तो कृष्ण के साथ में जितने हम क्लोज रहेंगे इससे हमको और ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात मतलब बताई गई थी। सिमिलरली एनीथिंग मतलब अगर हम ऐसे जो लोगों के साथ में रहेंगे, ऐसे लोगों से हम जो है उस वरिष्ठ भक्तों के बारे में या उस मतलब स्पिरिचुअली एडवांस डिवोटीज के बारे में जब हम सुनते हैं तो हम भी जो है भक्ति के अंदर धीरे 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 रक्त हो जाते हैं। तो महाराज विदुर वास मोर एडवांस, जैसे मैंने बताया कि वो बोलते हैं क्यों क्यों, क्योंकि वो उनका कृष्ण के साथ सानिध्य था और कृष्ण के साथ में उठना बैठना ये सब था, उन्होंने सब उनका अनुभव किया था। तो इस बात से फिर मुझे एक और जो बात याद आती है कि जब दामोदर लीला हम पढ़ रहे थे तो और उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो दामोदर लीला के अंदर जो कृष्ण हैं वो क्या करते हैं, कृष्ण जब उठकर आते हैं और वो आकर जो माता वो चर्न कर रही होती है दही को जो है उसका मंथन कर रही होती है, तो मंथन करने के अंदर जो मटका रखा हुआ था उसके अंदर एक लकड़ी रखी हुई थी जिसके अंदर मथनी थी जिसको वो रस्सी से बंधी हुई थी और उसे वो मूव कर रही थी, उसको चला रही थी। तो भगवान ने आके उस मथनी को जो है उसका उसका जो उसकी जो डंडी थी उसका जो डंडा था उसको आके भगवान ने पकड़ लिया। तो आचार्य उसको क्या बताते हैं, आचार्य उसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या मतलब फिलॉसफी है। तो भगवान ने जब उस डंडे को पकड़ा तो वो ये बताना चाहते हैं, तो माता ये जो है जो चर्निंग कर रहे हैं, ये जो मतलब उसको पूरे जो ज्ञान और विज्ञान की बातें कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान की बातें कर रहे हैं, वो तो जो है मतलब बहुत सारे ऐसे हैं ऋषि हैं जो अध्ययन कर कर करके जो है उसका मंथन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे पास आना चाहते हैं, मगर तुम क्यों कर रही हो, तुम तो मेरे पास हो, तुम मेरे पास में साथ में बैठी हो, तो तुम मुझे दूध पिलाओ। तो कहने का अर्थ है कि किस तरह से जो आचार्य हमको समझाने का प्रयास करते हैं छोटी छोटी बातों के माध्यम से। फिर नॉलेज एंड विजडम डज नॉट मेक यू अटैच टू कृष्णा, आपके पास ज्ञान है, आप बहुत ही पढ़े लिखे हो, बहुत ही होनहार हो, तो आपको भगवान के साथ में अटैचमेंट
जो भौतिक ज्ञान है, तो आप अटैच नहीं हो सकते। तो वहां पर ये उदाहरण मतलब भक्ति चारु स्वामी महाराज बताते हैं कि देखिए कि किशोर दास बाबा जी महाराज वो तो बिल्कुल अनपढ़ थे, वो मतलब अगर भौतिक जगत भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो अनपढ़ थे, मगर वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो इतने एडवांस थे कि जो सबसे एडवांस और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा जो मतलब कहते हैं मोस्ट एंड हाईली एजुकेटेड कौन, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, उन्होंने जाके उनसे दीक्षा ली और उनको कहा कि मुझे आप मुझे गुरु बनाए। तो जो मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इतने पढ़े लिखे, इतने हाईली एजुकेटेड, उस समय के सबसे मोस्ट एजुकेटेड मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, वो भी वो कैसे गए, वो गए किसके पास गए, वो गए ऐसे व्यक्ति के पास जो भौतिक जगत से अनपढ़ थे मगर आध्यात्मिक जगत से वो बहुत ही एलिवेटेड थे। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो है प्रेम जो है वो ज्ञान और साथ ही साथ जो आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है उससे भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हाउ यू लव कृष्णा, हाउ यू आर अटैच टू कृष्णा, आप भगवान के साथ में कैसे मतलब कनेक्टेड हो। और दूसरा यहाँ पर आता है कि दूसरा उदाहरण आता है श्री नारद मुनि का। नारद मुनि जी कौन थे, वो भी मतलब जो है पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी एक दासी पुत्र थे, मगर उनको क्या मिला, उनको उन्होंने क्या सुना, उन्होंने सुना कि जो वहां पर जो चार मास के अंदर चतुर्मास के अंदर जो वहां पर आके जितने भी संत आते थे वो वहां पर आके ठहरते थे आश्रम के अंदर, तो उनके बारे में उनके वो जो चर्चा कर रहे थे वो सुन सुनकर उनका उच्चिष्ट खा खा कर और उन्होंने जो भी मतलब बातें कही थी वो सुनते थे, उस सुनने मात्र से जो एडवांस डिवोटीज के सुन जो चर्चा होती है वो सुनने मात्र से जो है नारद मुनि इतने एडवांस हो गए। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमको जो भक्तगण जो गुरु हैं जो हमारे आचार्य हैं वो हमको जब बातें बताते हैं उनको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और इसी फिर श्लोक के अंदर जो है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर बताते हैं कर्मयोग और कर्म के बारे में। तो कर्मयोग जो है और कर्म योग क्या है और कर्म क्या है, तो कर्म यानी हम सब जानते हैं कि कर्म क्या है, कर्म जो है कि जो काम करना है और जिसके अंदर पाप और पुण्य कनेक्टेड है, हाँ, मगर उसके अंदर एक आता है अकर्म। अकर्म यानी ऐसा कर्म करना जिसके अंदर नहीं पाप हो नहीं पुण्य हो, उसके अंदर वो ऐसा कर्म है जो जिसके अंदर पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है। तो ऐसा कर्म कौन सा कर्म है, यानी कोई भी कर्म आप करो जिसके जो आप भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान के आनंद के लिए अगर वो कार्य करोगे तो वो अकर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसके बारे में भी चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि भाई हमको क्या क्या सुनना चाहिए। तो अगर पूरा भागवतम देखें भगवत गीता देखें तो ये प्रश्नोत्तर हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर मैत्रेय ऋषि और जो विदुर जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है, इसके प्रश्न कौन पूछ रहा है, इसके प्रश्न पूछ रहे हैं जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से। तो हमको प्रश्न पूछने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रश्न कैसे पूछने चाहिए वो है कि किसी विनम्रता से और मतलब शुद्ध भक्तों के माध्यम से या ऐसे भक्त जो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं जो हमको सही रूप से मार्गदर्शन कराएंगे। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, किसी को कोई प्रश्न हो या किसी को कोई कमेंट हो तो ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, सनातन प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडत प्रणाम प्रभु जी। आप तो एक्रोनिम के बादशाह हो प्रभु जी, फर्म जो आपका था वो बहुत अच्छा लगा। एज यूजुअल आप मतलब जब लेक्चर देते हो तो इतना डीप जाके एक एक पॉइंट को इतना इलाबोरेट करके आप बताते हो जो बहुत मतलब प्रभु जी सुनने में अच्छा लगता है प्रभु जी। आपने वो जो चीज बताई थी ना, शुद्ध भक्त जब एक साथ मिलते हैं तो सिर्फ भगवान के बारे में बात करते हैं और
तो यहाँ पे मतलब एक चीज को, और फिर वो उनका जो जिनको संग मिलता है वो भी तुरंत भगवान के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। एक चीज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ना, हम लोग कभी मतलब भौतिक इसमें भी हम लोग को एक चीज दिखता है, कोई एक मूवी देख के आया रहेगा या कोई दो लोग किसी पर्टिकुलर होटल में खाके एक पर्टिकुलर डिश को खाके आए रहेंगे और उस डिश को इतना उन लोग बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, ऐसा है वैसा है वैसा है, इतना अच्छा है वो होटल अच्छा है, तो वो जो सुनने वाला आदमी है वो भी तुरंत वहां पे जाते, नहीं मैं भी अपनी फैमिली को लेके वहां पे जाऊंगा। तो यहाँ पे मतलब तो जब शुद्ध भक्त सिर्फ भगवान की ही बात करेंगे तो वो एब्सोल्युटली मतलब वो उन लोग इतना उन लोग का मतलब लाइफ में ओनली की उन लोग का इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम कृष्णा नो वन एल्स। तो ऐसे लोग जब बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जैसे जो लोग हैं या फिर जो एटलीस्ट दूसरे जो लोग हैं उनको उस पर डेफिनेट अट्रैक्शन होगा। प्रभु जी थैंक यू, प्रभु जी बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और गुरु सुशीला प्रभात, बहुत अच्छी बात बताई आपने, मगर उसके अंदर एक बात आती है इसी बात के ऊपर, जैसे कि अगर जो अच्छी रेस्टोरेंट की बात करेंगे और अच्छे जो मूवी की बात करेंगे तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है और दूसरी इच्छा पैदा होती है, और हमको यहाँ पर इच्छाओं को कम करना है। तो कहने का मतलब यह है कि भौतिक विषयों के अंदर आपकी आसक्ति जो भौतिक जगत के साथ में और बढ़ती जाएगी, मगर अगर आप कृष्ण की बातें या कृष्ण की लीलाओं के बारे में शुद्ध भक्तों से सुनेंगे तो आपकी विरक्ति यानी भौतिक जगत से विरक्ति होती जाएगी, फिर धीरे धीरे आपके गाना सुनना बंद हो जाएंगे, आपके जो बाहर खाना खाना बंद हो जाएगा, आप सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही खाओगे, यानी कितना बेनिफिट्स हैं। और वहां पर देखो कि कितना हमको जो है हमारे लिए कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि अगर भौतिक विषयों के बारे में हम सुनते हैं। इसके लिए जो है कैंटो फर्स्ट के अंदर जो बात आती है कि हमको क्या सुनना चाहिए, तो हमको भौतिक विषयों को छोड़कर हमको आध्यात्मिक विषय सुनने चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर एडिंग दिस पॉइंट। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। वही हम लोग देखते हैं ना, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, हम लोग प्रजल्प में अटके हुए अपार्ट फ्रॉम कृष्णा पूरे दुनिया भर के टॉक्स में अटके हुए, और फिर उसी की वजह से आसक्ति बढ़ती रहती है। और थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस जी पवन प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु, प्रभु हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। सर्वप्रथम सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सबको दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु जी माता जी। और प्रभु जी साधु साधु, आपने बहुत ही सुंदर रूप से ये जो श्लोक के माध्यम से परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का महाप्रसाद हमें समझाया प्रभु जी। और प्रभु जी आपने इतना अच्छा ये जो मात्सर्य के बारे में बताया, और इसमें भी प्रभु जी आपने एक जो एक्रोनिम के हिसाब से ईल पेज के माध्यम से हमें समझाया कि कैसे हमारे अंदर जो ये अवगुण है वो कैसे याद रह जाए, बहुत ही अच्छा समझाया प्रभु जी। ये मात्सर्य जो है इसके माध्यम से आपने बताया कि ये जो है इसके वजह से बाकी सब जो अवगुण है वो भी स्फुरित हो जाते हैं। और फिर आपने वो जो भगवद गीता के श्लोक में से फॉर्म के बारे में भी बताया, वो भी बहुत अच्छा स्मरण रह जाने वाला है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। और आपने इतना अच्छा ये दामोदर अष्टकम से भी आपने समझाया प्रभु जी, और ये जो अभी लास्ट आपने नारद जी का भी आपने प्रसंग लेके इतना अच्छा समझाया जी, जो साधु संघ का महत्व है उसके बारे में, और हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, क्या जिज्ञासा होनी चाहिए इस बारे में भी आपने बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी। प्रभु जी आपने ऐसे तो अभी प्रवचन में बताया था प्रभु जी कर्म और कर्मयोग के बारे में, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। प्रभु जी एक जिज्ञासा ये थी प्रभु जी कि जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कर्म जो है वो हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं वो कर्म है, और जो कर्मयोग है वो भक्ति योग है प्रभु जी। तो प्रभु जी इसमें थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कर्मयोग बाद में ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ऐसे प्रभुपाद जी तो बताते हैं भगवत गीता पूरा भक्ति योग है, तो उसमें प्रभु जी ये जो कर्म योग है और जैसे उसमें बुद्धि योग भी ऐसे कहा जा रहा है, तो प्रभु जी इसमें हम कैसे समझे कि ये जो कर्म योग है ये प्रभु जी मतलब प्रभुपाद जी एक जगह कर्म योग को एक अलग ही अलग रूप से समझाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, आपका आवाज धीमा हो गया एकदम।
हरे कृष्णा प्रभु, आपका आवाज धीमा हो गया, जी प्रभु जी मैं फिर से हरे कृष्णा अभी आ रहा है। हाँ प्रभु बोलिए। प्रभु जी वो जो मतलब तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जो बताया है, एक तो जो कर्म के बारे में और कर्म योग के बारे में, तो इसमें आपने बहुत सुंदर रूप से समझाया भी कि जो कर्म है उसमें अकर्म हम करें तो उसमें हम जो है बंधन नहीं होता और जो भगवान के जो संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी ऐसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो ये इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कर्म योग जो है वो भी भक्ति योग है और पूरा जो भगवद गीता है वो भक्ति योग ही है। तो इसमें प्रभुपाद जी जो जैसे ये भगवद गीता में हम देखते हैं कि कर्म योग आता है, ज्ञान योग आता है, ध्यान योग आता है और फिर बाद में जो भक्ति योग आता है, तो वो जो वहाँ पे प्रभुपाद जी जो व्याख्या करते हैं वो कर्म योग का एक रूप है और एक जो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो कर्म योग की व्याख्या कर रहे हैं वो भक्ति योग के रूप में कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी मतलब प्रभु जी इसमें थोड़ा सा ये दोनों में कैसे इसे समझे कि प्रभुपाद जी किस तरह क्या क्या कॉन्टेक्स्ट में समझा रहे हैं प्रभु जी, थोड़ा सा प्लीज इसमें थोड़ा बताएंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको और सभी भक्त। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर प्रश्न था, इनफैक्ट प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो मैं चाहूंगा कि जितने और भी यहाँ पर जो कनेक्टेड भक्त हैं दे कैन ऑल्सो यू नो चर्न, जैसे अभी कल ही हमारी चर्चा हो रही थी साधु संघ के जो स्पीकर्स के ग्रुप में कि भाई चर्निंग जरूरी है टू हैव दैट जो क्लैरिफिकेशन, नॉट ओनली क्लैरिफिकेशन, ये के मतलब स्पष्टता के बारे में नहीं है, ये ऐसे है कि इसके माध्यम से हम और क्या सीख सकते हैं। तो वॉट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कर्मयोग के अंदर जो है कर्म से कर्मयोग की तरफ कैसे जाना। तो कर्म तो जैसे हमने सुना हुआ है कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ कर्मास, कर्मा पहले उसके बाद में अकर्मा, विकर्मा और अकर्मा, कर्मा उसके बाद में विकर्मा और अकर्मा। तो कर्म क्या है, तो कोई बता सकता है वो कि कर्म क्या है? कर्म जो हरे कृष्णा कोई बता सकता है कर्म क्या है प्रभु जी? कर्म मतलब सकान कर्म जो वेद के हिसाब से बताया गया है, वेदों में जो बोला गया है उस हिसाब से किया हुआ काम को कर्म बोला जाता है। वेरी नाइस। तो यहाँ पर कर्म का मतलब होता है जो शास्त्रों में वर्णित कार्य है वो करने। तो शास्त्रों के अंदर तो शास्त्र पढ़े और शास्त्रों के अंदर जैसे बताया गया है उसके आधार पर आप चलें तो वो हो गए कर्म। अच्छा अभी वो कर्म आपको क्या देंगे, तो वो कर्म जहाँ आपने जो जो भी अच्छा किया तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी वो आपकी संतुष्टि की, वो जो शास्त्रों में बताया गया है उन वेदों के अंदर बताया गया उसके हिसाब से आप काम करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो कर्म से बेनिफिट मिलेगा। और वॉट इज विकर्म, यानी जो शास्त्रों में बताया गया है उसके विपरीत करना, विकर्म यानी विपरीत यानी ऑपोजिट करना, यानी शास्त्रों में बताया गया है कि हमको मदिरापान नहीं करना चाहिए तो मदिरापान करेंगे, तो हम बताया गया ये नहीं करना चाहिए तो वो करेंगे, यानी जो भी बताया गया उसके विपरीत करना, तो दैट इज विकर्म। तो उसका उसका आउटकम क्या होगा, उसका आउटकम होगा पाप। कर्म का आउटकम होगा पुण्य, विकर्म का जो आउटपुट होगा पाप होगा। तो इसके लिए तो हमको जन्म लेना पड़ेगा, वापस आएंगे, पुण्य जो है समाप्त हो जाएंगे, फिर हमको आना पड़ेगा, फिर हमको जो भोगना पड़ेगा। तो ये सब जो कर्म और विकर्म के बारे में। नाउ व्हाट इज अकर्मा, अकर्मा मीन्स आप कर्म करो मगर वो कर्म किसके लिए करो, अपने लिए मत करो, आप भगवान श्री कृष्ण के लिए करो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लेक्चर्स में सुन रहा था, उसके अंदर बताया कि आपने एक आप बगीचे में गए, आप एक बगीचे में सुंदर बगीचे में गए, वहां पर आपने बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल देखे। अगर आपने वो फूल तोड़े और फूल तोड़ने के बाद में आपने क्या किया, उन फूलों को आपके मन में तभी इच्छा किया थी कि आपको जाके ये फूल जो है अपनी वाइफ को देने हैं, अपने लवर को देने हैं, अपनी जो किसी
को भी मतलब जिसको आप प्यार करते हो उसको देना है, उसको अच्छा लगेगा तो आप तोड़ के उसके गए। तो ये हो गया, मतलब क्या हो गया, आपने कर्म किया, अच्छा कर्म भी किया, किसी को आपने गिफ्ट दी, अच्छा कर्म किया, तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा वो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। मगर वही अगर आपको उसकी फ्लावर्स की खुशबू बहुत अच्छी लगी, आपने वो फ्लावर्स तोड़े वहां से, और आप जब तोड़ने गए तो आपने बोला कि ये ठाकुर जी को मैं अगर ये जितनी भी फ्लावर्स हैं अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के अलग अलग खुशबू के ये फ्लावर्स में निकाल के ठाकुर जी को ऑफर करूं, तो ये जब भाव आता है दैट मेक्स वही जो कार्य वही है, आपने फ्लावर को तोड़ा और आपको ऑफर करना, आपको या तो आपके वाइफ को ऑफर करना है या मगर उस समय आपके दिमाग में थॉट्स क्या थे उसके ऊपर डिपेंड करते, मगर वो आपने फ्लावर्स उठा के आपने कृष्ण को ऑफर किए, तो ये हो गया विकर्म, ये हो गया अकर्म। देन अकर्म मतलब क्या कि आपने आपकी इच्छा हुई, ऑफकोर्स आपको पता है कि भाई फ्लावर्स लॉर्ड को ऑफर करने के बाद में, जब लॉर्ड को ऑफर करने के बाद में हम उसको लेंगे और फिर घर वाले है उसका उसकी सुगंध का अनुभव करेंगे, या तो आपकी वाइफ को मतलब बालों में बांधेगी या कुछ भी, तो कहने का मतलब ये है कि जो थॉट है, जो जो अपने अपनी विचारधारा है उस पर आधारित होता है कि जो कार्य है वो कौन सा है, हमारे वो कार्य वही है, इसके ऊपर काफी लंबा लेक्चर है, तो कार्य वही है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अभी उन्होंने क्या किया कर्म के बारे में, तो कर्म क्या बोलते हैं, तो कर्म जो अपने एंजॉयमेंट के लिए, और दूसरा कर्म योग, ना कर्म योग इज व्हाट, कर्म योग इज यू नो डूइंग द सेम, जो वही कार्य आपको करना है मगर किसके लिए करना है, वो भगवान को केंद्रित करके भगवान को सेंटर में रखकर आपको करते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है। तो ये यहाँ पर कर्म और कर्म योग के बारे में बताया गया। तो कर्म योग, यहाँ कर्म योग का मतलब क्या हो गया, कर्म योग जो हो गया वो हो गया अकर्म, विच इज बेसिकली इन मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए भगवान को सेंटर में रखकर कार्य करना, दैट इज कर्म योग। तो ये इतना तक मैं समझा सकता हूँ, और इससे और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वी कैन, जो भी है जुड़े हुए भक्त हैं वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और होप मैंने जो आपके क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हरे कृष्ण। यस समीर प्रभु, सनातन निताय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने परफेक्ट बताया, बहुत बढ़िया बताया। मैं जस्ट एक और एक चीज ऐड करना चाहता था कि एक थोड़ा डिफरेंशिएशन इस लेवल पे है कि कर्म में बोलते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसमें दो चीज को क्लियर होना, मा कर्म हेतुर्भूर, तो वहां पे तो दो चीज अपने को देना है कि कर्म का जो फल है वो भगवान को अर्पण करना, और इस कर्म के लिए तुम अकेले कारणीभूत नहीं हो या फल के लिए तुम अकेले कारणीभूत नहीं हो ये मानना, ये दो चीज है। और एक दूसरा है जैसा आपने बताया अकर्म, मतलब जब मैं कर्म करूंगा भगवान के लिए ही करूंगा, मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, जो भी करूंगा मैं भगवान के लिए करूंगा। तो जब सिर्फ भगवान के लिए कर्म की बात होती है तो भक्ति योग में ले कहा जा सकते हैं, लेकिन जब कर्म करूंगा लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करूंगा तो वो कर्म योग में लेवल में जाते हैं कि कर्म जो जो फल है वो भगवान देखेगा और वो मतलब उसके हिसाब से। तो अगर थोड़ा सा अगर हम लोग अपने भौतिक हिस में मतलब इस यहाँ पे दो डिफरेंशिएशन, एक तो कर्म करेंगे तो पूरा भगवान के लिए करेंगे, और एक तो मतलब कर्म करेंगे लेकिन जो फल आएगा वो भगवान के पे छोड़ के निर्भर रहेंगे, तो फिर वो अपना इच्छित कर्म हो या अनिच्छित कर्म जो भी है वो भगवान के हिसाब से करके उस पे आसक्त ना रहना। तो दोनों दो डिफरेंट चीज है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग अगर भौतिक लेवल पे अगर हम लोग इसको लिंक करने का ट्राई करेंगे तो जो भी अपने आचार्य है सन्यासी उनका सब अकर्म रहता है प्रभु जी, वो कुछ खुद के लिए कुछ नहीं करते, उनका अगर देखेंगे तो बहुत सारा मतलब बहुत सारा मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग उनका सुबह से उठने तक शाम तक सोने तक जो भी उन लोग कार्य करते कर्म करते वो भगवान के लिए रहते हैं, उनका पूरा अकर्म रहता है। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई बंदा है जिसको घर भी संभालना है जॉब भी करना है तो फिर वो हम मैं किस लेवल पे सोच सकता हूँ कि मैं करूंगा तो मैं कर्म योग के हिसाब से कर्म करूंगा कि जो भी मैं करूंगा कुछ पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन के साथ, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन ना मिलगी तो देन आई एम ओके, वो कृष्ण की इच्छा समझ में छोड़ दूंगा। तो ये दो चीजें, तो यहाँ पे प्रभुपाद जो पर्टिकुलर बता रहे कि एवरीथिंग इज भक्ति योग, तो वो लेवल पे जाके बोल रहे कि तुम कुछ भी करोगे तो भगवान के लिए करोगे तो देन इट विल बिकम अ भक्ति योग, तो फिर वो कर्म योग नहीं रहेगा। जस्ट ये प्रभु जी ऐड करने का प्रयास किया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु फॉर एडिंग दिस, वेरी नाइसली एक्सप्लेन ऑल्सो। मगर अगर इस तरफ देखा जाए तो भक्ति मतलब कर्म योग
विल लीड टू भक्ति। यहाँ पर यह क्लियरली यहाँ पर कर्मयोग इज बेस्ड ऑन भक्ति, यानी कर्मयोग जो आप कर रहे हो वो भक्ति पे आश्रित है। यस माता कुंजेश्वरी माता जी, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? हरे कृष्णा। या कुंजेश्वरी के रूप में गोपेश्वर बोल रहा है। या तो आवाज आ रहा है मेरे प्रभु जी? यस वेरी क्लियर। हां प्रभु जी। ओके ओके ओके। तो बहुत अच्छा चरणी हो रहा है, प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया, जीव कौन प्रभु ने भी बहुत एकदम क्रिटिकल पॉइंट पकड़ा वहां पे। तो इन सेंस मतलब इसको मतलब इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे प्रभु ने बताया वो सही है, मतलब कई जगह पे प्रभुपाद जी हम लोगों को कर्मयोग करने के लिए बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जब योगा लेटर हम लोग जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं हम लोग पहले तो पशु जीवन है, फिर वहाँ से वो कर्मकांडीय कर्मकांड योग, मतलब योग नहीं बट कर्मकांड लेवल पे आ जाता है, उसके बाद वो कर्मयोग पे आ जाता है, देन ज्ञान योग एंड देन उसके ऊपर फिर भक्ति योग। तो आई थिंक जी कौन प्रभु वाज वॉकिंग फ्रॉम दैट सेंस। तो मैं जस्ट नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग बट ये है कि भक्ति योग जो है इट स्टिल अ स्टेप हायर और इट इज कर्म, जैसे प्रभु ने कहा कि कर्मयोग इज गोइंग टू लीड अस टू भक्ति योगा, तो एट ए हायर लेवल जब मतलब अगर इससे अगर जूनियर लेवल पे है तो फॉर हिम कर्मयोगा विल बी इक्विवेलेंट टू भक्ति योगा। लेकिन जो योगा लेडर ऊपर है, जैसे मतलब जैसे जो जो ग्राउंड फ्लोर पे है उसके लिए चौथा माला इज टॉप लेवल, लेकिन जो बीसवें माले पे है उसके लिए चौथा माला इज लो। तो दैट दैट कैटेगरी दैट दैट लेडर इज देयर। तो जस्ट आई वांटेड टू ऐड दिस। और भक्ति योग मतलब डिफरेंशिएशन भी अगर हम लोग देखना चाहें तो उसमें ये है कि कर्म योग में वी आर डूइंग एक्टिविटीज फॉर कृष्णा एंड गिविंग इट टू कृष्णा द रिजल्ट। भक्ति योग में वी आर वर्किंग फॉर कृष्णा, एवरीथिंग इज फॉर कृष्णा, मीन्स देयर इज नो पर्सन इन टू कंप्यूट दैट। तो ये मैं एक योगा लेटर का चार्ट भी है तो आई विल शेयर ऑन द ग्रुप। तो जस्ट मतलब देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बट या बट ऑन ए मतलब एक जनरल लेवल पे बोले तो या कर्म योगा इज गोइंग टू लीड अस टू भक्ति योगा, बट देयर इज डिफरेंशिएशन बिटवीन कर्म योगा एंड भक्ति योगा। थैंक यू जीव पान प्रभु, थैंक यू सनातन प्रभु, थैंक यू उदय प्रेष्ठ प्रभु, बहुत अच्छा जर्निंग हो रहा है। हरे कृष्णा। करेक्ट प्रभु जी, करेक्ट। अपने बहुत मतलब योग में अपने जो एग्जैक्ट बताया कि मतलब हम लोग कर्म करेंगे वो भगवान के लिए भी करेंगे, लेकिन हम लोग पूरे के पूरे आश्रित रहेंगे भगवान के ऊपर, कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। मतलब जस्ट एक सिंपल एग्जांपल देंगे तो हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं, मेडिक्लेम निकालते हैं, ये वो सब चीज, तो वो लेवल पे हम लोग खुद को सोचते हैं कि हम लोग कुछ हो गया तो फैमिली को संभालने के लिए कुछ पैसा रहना चाहिए, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मुझे खर्चा निकालने के लिए पैसा चाहिए, तो हम लोग वो एंगल से सोचते हैं। लेकिन जो टोटल सरेंडर टू गॉड है ऐसे चीजों में कभी वो इन्वॉल्व नहीं होते, उनको मालूम है जो भी भगवान जो देगा वो मतलब वो जो भी मेरे साथ होगा वो भगवान का। एक्चुअली जस्ट एक सिंपल एक सॉरी प्रभु जी, जस्ट एक दो मिनट लेता हूँ। श्याम रसिक प्रभु जी ने जब रामायण की वो जब बात बता रहे थे तभी उधर के उन्होंने ऋषियों का तभी के ऋषियों का उन्होंने क्वालिटी बताया था, तो वो बोलते हैं कि तभी कभी राजा वगैरह ऐसा बहुत सोना वगैरह दान करते थे ऋषियों को, जब वो कोई यज्ञ वगैरह करते थे, कोई होम करते थे मतलब, तो जब ये ऋषि सब जब उनको ये सोना इतना मिलता था तो वो क्या करते थे कि अभी सब वो सुबह उनको मिल गया तो उन लोग क्या करेंगे, वो सुबह के खाने का सोना निकाल के रखेंगे खुद के लिए जिससे सुबह का खाना मिल जाएगा, और बाकी का सोना वो दान करते थे। रात के सोने के लिए वो सोचते ही नहीं थे, रात का खाना वो वापिस वो प्रभु पे निर्भर थे। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे से कोई बंदा रहेगा तो लेके रख दूंगा तिजोरी में, चलो यार 10 साल का टेंशन नहीं, वैसा नहीं था। उन लोग को उस समय का उस दोपहर के खाने का उन लोग सोचते थे कि ये सोना निकल के मेरे दोपहर का खाना निकल गया, बस बचा हुआ सोना फिर वो दान करते थे, तो वो जिसको दान किया वो भी दोपहर का खाना निकल के बचा हुआ ऐसा करते 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 लास्ट में जिसके पास रहता था वो दोपहर के खाने के लिए सोना निकल के बचा हुआ सोना फेंक देता था।
तो ये जो पांडवों को जो सोने का जो पहाड़ मिला था, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि उसके वजह से वो पहाड़ बन गया था। मतलब उतना टॉप लेवल की उनको भक्ति थी कि वो अपने खाने, शाम के खाने तक पे वो भगवान पे निर्भर रहते थे कि जो हो, मेरा दोपहर का हो गया ना, अभी शाम का भी वापिस, जैसे दोपहर का भगवान ने देखा शाम का भी भगवान देख लेगा। उस लेवल की जो भक्त, मतलब जो सरेंडर था ना, वो भक्ति योग में प्रभु जी मतलब बताने का ट्राई कर रहे थे। जस्ट प्रभु जी ऐड करना था एग्जांपल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। वेरी वेरी नाइस प्रभु, वेरी नाइस। ये मतलब बहुत अच्छी बात बताइए, और इसके ऊपर आपने मेरे ख्याल से, आई थिंक दिस इज रिलेटेड टू दानवीर कर्ण की बात के ऊपर आती है। तो जब ये अर्जुन प्रश्न पूछता है कि भाई तुम हमेशा कृष्ण से, कि तुम हमेशा कहते हो कि भाई ये कर्ण जो है बहुत दानवीर है, बहुत दानवीर है, ये प्रसंग सुना हुआ है आप लोगों का? प्रभु जी ये सुना था, लेकिन ये ओरिजिनल इस्कॉन से लिंक्ड है क्या? क्योंकि कर्ण के बारे में जो, प्रभु जी कर्ण के बारे में जो मतलब बताया गया था कि उसके उसके गुड क्वालिटीज बहुत कम थे, मतलब अपार्ट फ्रॉम इसमें, लेकिन वो इस्कॉन लिंक्ड, मैंने ये मतलब इस्कॉन से सुना नहीं है प्रभु जी, आप बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेरी ट्रू कि मैंने भी जो है ये बात जो है सुनी है, बट हाउ इट इज रिलेटेड, मैं एक तरह से दूसरे मतलब दृष्टिकोण से हम उसको देखने का प्रयास करें कि भगवान कहते हैं कि भाई अर्जुन जब कहता है कि भाई तुम हमेशा जो है इसको कहते हो दानवीर कर्ण है, तो तुम कैसे इसको दानवीर कर्ण बता सकते हो? तो वो जब वो सोने के पहाड़ की बात आती है वहां पर, मतलब ये सुना है जो मैंने कि अगर भगवान कहते हैं ठीक है ये सोने का पहाड़ तुमको मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसको जो है व्यय कर दो, उसको पूरा जो है तुम क्या करोगे इसका? तो अर्जुन कहता है ठीक है, तो वो क्या करता है कि मतलब अनाउंसमेंट कर देता है कि भाई गांव के अंदर कि जो भी आए यहाँ पर अर्जुन जो है सोना बांट रहा है, तो सब लोग आते हैं और ये पूरा दिन जो है सोना बांटने में लगा देता है। तो जब वही भगवान उसको कहते हैं कि भाई ठीक है अभी यही सोने का पहाड़ जो है मैं इसको अपना कर्ण को बोलता हूँ, तो कर्ण आता है, कर्ण क्या करता है, एक आदमी को आता है बोलता है पूरा पहाड़ तेरे लिए। मतलब कहने का मतलब है कि भाई वहां पर जो एक इस मतलब जो लीला के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जाता है, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि भाई जो व्यक्ति यहाँ पर भी हम अपना नाम मतलब प्रख्यात हो इस वजह से हम दृष्टि मतलब दान करते हैं, जो लोग दान करते हैं, बट यूजुअली ऐसा होना चाहिए कि भाई कर्ण के जैसा कि भाई दान किया तो किसी मतलब एक ही आदमी को दान कर दिया, उसके बाद चला जाओ, मुझे पता ही नहीं है कौन है तू, मैं क्या कौन हूँ, चला गया उधर से, यानी देन देयर इज नो अटैचमेंट टू द इवन द पॉपुलैरिटी कि भाई मुझे इससे पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो ये एक तरह से बताया गया, बट आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, बट इससे ये सीख मिलती है हमको, ये मतलब सीखना मिलता है कि भाई हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको पॉपुलैरिटी की वजह से जो है पॉपुलैरिटी मिले इस वजह से हमको दान नहीं करना चाहिए, हमको दान इस हिसाब से करना चाहिए कि भाई जो हमने मन से किया इसको पता भी नहीं चले। तो दिस इज व्हाट लाइक आई टुक फ्रॉम इट, बट वेदर इट्स कनेक्टेड, वेदर इट्स मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स, आई डू नॉट नो। हरे कृष्णा।